ने कहा कि हम महिलाओं को 40% आरक्षण देंगे टिकटों में, किस तरह देखते हैं इस बयान को, कितना कारगर होगा? भारतीय जनता पार्टी अपने पदों पर, दायित्व में और अनेक निर्णयों में महिलाओं को शुरू से सहभागिता सबसे प्रभावी करती है, और उन्होंने यदि कहा है तो अच्छी बात है। हमारे दल के कार्यों से प्रेरणा लेके आजकल वो कई काम कर रही हैं, तो हम किसी दल को अपने कार्य करने का, अपना विषय रखने का अधिकार है। आप लोग कितना परसेंट दे रहे हैं चुनाव में, उत्तर प्रदेश चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कितना सुनिश्चित करने का? हमारे दल द्वारा महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी भारतीय जनता पार्टी देश में देती है, और पहले से भागीदारी हमेशा बढ़ती रही है, हर चुनाव में बढ़ती रही है। आज सर्वाधिक MLA MLC MP महिला भारतीय जनता पार्टी के ही है, राजग गठबंधन के ही है, आगे वह भागीदारी और बढ़ेगी। कुछ कितना परसेंट, 50%? कहा मैंने कि पार्टी के तो संविधान में 33% व्यवस्था पार्टी के दायित्वों पर, पार्टी के काम और सब में पार्टी के प्रावधानों में है। आप हमारी पार्टी का संविधान पढ़िए जो आदरणीय सुंदर सिंह भंडारी जी की कमेटी ने बनाया था, जिसमें पार्टी के हर पदों पर सब जगहों पर 33% संगठन के सिस्टम में उनको स्थान दिया गया है, आगे भी भागीदारी उनकी और बढ़ाई। ये तो आगे बढ़ गई आपने 40% इन्होंने कह दिया। प्रियंका ने कहा कि आगे जो दल है वो हमारी नकल करेंगे। बहुत आगे काम कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और मैंने आपको बताया ना सबसे अधिक MLA MLC MP कारपोरेटर और हमारे क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत सब भारतीय जनता पार्टी की इतनी प्रभावी सहभागिता है कि कोई दल उसमें तुलना नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है इस समय देश में 14 और 19 और उत्तर प्रदेश में 17 की सरकारों बनाने में सबसे बड़े इस प्रदेश और देश की जनता की महिलाओं की सहभागिता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। आगे वह सहभागिता और बढ़ने वाली है, ये मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूँ।